प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज की इस स्तुति वंदना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सब जन पूरी खुशी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना करें, जो रूह से पैदा हुआ है, जो उस आसमां की बादशाही पर बादशाही करता है, उस बादशाह की हमदो सना करें, उस राजाओं के राजा की हमदो सना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। आइए सब जन प्रभु को कहें और पुकारें कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हम एक दिन पिता परमेश्वर आपकी आसमां की बादशाही में प्रभु जी आपके साथ दाखिल होना चाहते हैं। प्रभु जी हम आपसे बातें करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको अपने दुख कष्ट बताना चाहते हैं प्रभु जी, और उनसे नजात पाना चाहते हैं प्रभु जी। अगर प्रभु जी हम ये अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, आपकी कृपा पिता परमेश्वर, आपकी करुणा प्रभु जी घर हम पर है प्रभु जी, हम एक ना एक दिन अवश्य प्रभु जी आपकी आसमां की बादशाही में दाखिल जरूर होंगे प्रभु जी। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, मौत से निकलकर वो ही जिंदगी में दाखिल होते हैं। यस प्रभु, प्रभु हम ये अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हम मौत से भी निकलकर प्रभु जी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर राह सत्य और जीवन प्रभु जी केवल और केवल आप ही हैं। हम ये अंगीकार करते हैं प्रभु जी, और ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आइए सब जन उस जीवित प्रभु की, उस दयालु प्रभु की, उस आत्मा प्रभु की, उस कृपालु प्रभु की हम दो सना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, जिसने पूरी कायनात को बनाया, ये पूरी सृष्टि को बनाया। आइए सब जन उसकी हम दो सना करें, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, एक एक चीज को ऐसे तराशा है और उसको तराश के इतना सुंदर बनाया है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि जिसने इतनी सुंदर ये पृथ्वी बनाई है, इतनी सुंदर कायनात बनाई है, इतना सुंदर इंसान को बनाया है, वो खुद कितना सुंदर होगा, वो खुद कितना दयावान होगा, खुद कितना जलाली होगा। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस प्रभु परमेश्वर की हमदो सना करें, जिसके अनेकों नाम है, यहोवा राफा, यहोवा परमेश्वर। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की हम दो सना करें, उसकी शान में मीठे गीत भजन गाएं, पूरी खुशी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ।
आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं। रूह और पानी से जो भी पैदा हो जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है। यस प्रभु, प्रभु हम विश्वास करते हैं आप किसी जिस्म से नहीं पैदा हुए प्रभु, आप केवल और केवल पाक रूह के पिता परमेश्वर जी, संरक्षण से पिता परमेश्वर जी, आप पाक रूह से पिता परमेश्वर की मर्जी से पैदा हुए हैं प्रभु जी। हम ये अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी आप किसी भी जिस्म से नहीं पैदा हुए। आइए सब जन उस राजाओं के राजा की स्तुति महिमा करते हुए ये गाएं। पैदा जो जिस्म से हुआ रूह से जो पैदा होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं। रूह और पानी से जो भी पैदा हो जो भी सुनता और अमल करता है, यीशु के कलाम को जो भी सुनता और अमल करता है, मौत से निकल कर वो जिंदगी में दाखिल होते हैं, मौत से निकल कर वो जिंदगी में दाखिल होते हैं। रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वो ही होते हैं। रूह और पानी से जो भी पैदा हो ये सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को जोड़ते हुए उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को बोले, उसके आगे अरज करें, मिन्नत करें कि हे प्रभु यीशु, हम सबों को
अपने पवित्र आत्मा का संरक्षण दीजिए प्रभु जी। हे मेरे बले चरवाहे, हम सबों को अपने पवित्र आत्मा का संरक्षण प्रदान कीजिए। मैं आपके सामने घुटने टिकाकर प्रभु जी, सर को झुकाकर पिता परमेश्वर अपने हाथ उठाता हूं प्रभु जी, क्योंकि आप ही मेरी कुवत हैं, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा जोर है। हे प्रभु यीशु, हे राजाओं के राजा, आज आपका पवित्र आत्मा मेरे को ऐसा छुए, ऐसा बल मिले मेरे को पवित्र आत्मा से कि प्रभु जी मेरे जन्मों के रोग मिट जाए, मेरे जन्मों के कष्ट मिट जाए प्रभु जी। आइए सब जन उस राजाओं के राजा को भूलें, कहें कि हे प्रभु, मुझे भी पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए जैसे आपने अपने चेलों को दिया था प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये अंगीकार करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु जी, आप ही सत्य हैं प्रभु जी, आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज मेरे को शु के पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी ऐसा भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मैं आपकी भक्ति में प्रभु जी, आपके वेदों में प्रभु जी, आपकी योजनाओं में, आपकी भक्ति आराधना में, आज की स्तुति वंदना में प्रभु जी ऐसा लीन हो जाऊं जैसे दाऊद हो जाता था प्रभु जी, जैसे कई आराधक प्रभु जी आपकी भक्ति में जब लीन होते हैं प्रभु जी, वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं प्रभु जी। वैसा सामर्थ प्रभु जी मेरे को भी दीजिए, वैसा बल प्रभु जी मेरे को भी दीजिए प्रभु जी। आइए सब जन पवित्र आत्मा से ये मिन्नत करें, उनसे ये अरस करें, विनती करें कि हे पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। आ पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, मैं सिर्फ तेरे लिए, हे यीशु मैं तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए अपने सर को झुकाता हूं, मैं अपने हाथ उठाता हूं आपके पाखरू का संरक्षण पाने के लिए। आइए सब जन उस पवित्र आत्मा से कहें, मिन्नत करें, अर्ज करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो टूटे हुए दिलों की, टूटे हुए मनों की प्रार्थनाओं को सुनता है। उस पवित्र आत्मा का संरक्षण मांगे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। यस प्रभु, प्रभु सिर्फ तेरे लिए, केवल और केवल तेरे लिए मैं अपने सर को झुकाता हूं प्रभु जी, अपने घुटने टिकाकर प्रभु जी आपके सामने अपने हाथों को उठाता हूं प्रभु जी, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब जन मेरे साथ गाएं, आप जहां कहीं भी हैं अभी मेरे साथ हैं, घर आप इस प्रार्थना को अपने घर पर बैठ के सुन रहे हैं, आत्मा में आप हम सबों के साथ हैं, मेरे पीछे सब जन दोहराएं, मेरे पीछे उस पवित्र आत्मा को, उस होली स्पिरिट को पुकारें।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा गाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, यस हे पवित्र आत्मा, हम ये विश्वास करते हैं, हम ये अंगीकार करते हैं कि आपके संरक्षण ने हम सबों को चारों ओर से घेर लिया है। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करिए कि पवित्र आत्मा ने हम सबों को अपने नूर से, अपने जलाल से चारों ओर से घेर लिया है। अपने आप को उसके संरक्षण में डुबाएं, उसके नूर में डुबाएं, उसके जलाल में डुबाएं। मैं उससे कहें कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, मैं आपके सामने अपने घुटने टिकाकर प्रभु जी, अपने सर को झुकाकर प्रभु जी, रो रो के प्रभु जी आपके सामने अपने हाथ उठा रहा हूं प्रभु जी। प्रभु जी आज मुझे ऐसा बल दीजिए प्रभु जी, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मैं आपके भेदों को जानने पाऊं प्रभु जी, मैं आपकी योजनाओं को समझने पाऊं प्रभु जी। आइए सब जन एक बार और बोलें, प्रभु से कहें कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, मैं केवल और केवल किसी मनुष्य के लिए नहीं प्रभु जी, मैं तेरे लिए प्रभु जी, सिर्फ तेरे लिए, केवल और केवल तेरे लिए प्रभु जी अपने सर को झुकाता हूँ प्रभु जी, अपने हाथ उठाता हूँ। आइए सब जन मेरे साथ मिलकर उस राजाओं के राजा को बोलते जाएं और कहते जाएं, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा।